अलगम प्यारे दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा मेरी सुबह आज बहुत जल्दी हो गई थी साढ़े छः बजे में उठी थी लेकिन उठते उठते अगेन मैंने सात बजा आ दी है और अभी मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के कपड़े इस्तरी कर रही हूँ मैं और इसके अलावा उनको उठाना बहुत मुश्किल काम होता है वो भी एक काम होता है जो डेली मुझे करना होता है तो वो मैं करके आ गई हूँ और मैं ऐसी बनती हूँ कि मैं कोई अलार्म लगा कर नहीं सोती जब मैं नियत कर लेती कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है तो मेरी आँख खुल जाती है मैंने मेरे फ़ोन में अगर आप अलार्म चेक करें तो एक आधा अलार्म होगा जो कि मैंने कभी लगाया होगा अदरवाइज़ वैस मैं वैसे ही उठ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड इतने अलार्म लगाते हैं फ़ोन के अंदर और कभी वो नहीं उठते उसकी आवाज़ से बल्कि मैं उठ जाती हूँ उनके अलार्म से लेकिन वो कभी भी नहीं उठता है तो खैर जी चीज़ ऑमलेट बन गया है और आज इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा चले गए थे और मैं उसके बीज निकालना भूल गई थी तो इसीलिए टमाटर ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया तो जो अंडा था वो टूट गया लेकिन खैर मैंने इसको बहुत अच्छे से कुक कर लिया है आ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन खाने में बहुत डिलिशियस इनशाला होगा अब ये हस्बैंड को मैं खाना दे दूँगी उसके बाद वो काम पर चले जाएँगे और मैं अपने दिन का स्टार्ट कर दूँगी तो जो दिन के सारे काम मैं अपने कर चुकी हूँ मुझे अपना बेडरूम से ही करना था वो कर लिया फिर पानी की बोतलें तो बाहर रखनी थी क्योंकि डिलीवरी आनी है पौधों को पानी देना था वो मैं कर चुकी हूँ और ये जो मेन काम होते हैं डेली के वो मैं कर चुकी हूँ अब मैं अंदर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो कुछ चीज़ें मैंने ली थी ये दो तीन दिन पहले वो मैंने क्या क्या लिया था तो सबसे पहले आप ये जो गैस का देख रहे हैं परफ़्यूम पड़ा हुआ टेबल पर इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ तो मेरी लाइफ का जो पहला परफ्यूम था वो था कूल वाटर और वो मैंने इतना इस्तेमाल किया इतना इस्तेमाल किया इतना इस्तेमाल किया कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ तक बल्कि यूनिवर्सिटी तक मेरा वही एक परफ्यूम था जो कि मैं बार बार लेती थी एक वो होता था, था और एक मेरे का रेड जी रेड जीन्स होता था वो बड़ा अच्छी उसकी खुशबू होती थी तो खैर उस ज़माने में तो होता ना कि जो अबू अब्बू ने ला दिया वही आपका फेवरेट होता था तो मेरा भी वही फेवरेट था एक कूल वॉट और एक साछी रेड जीन्स जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है और बीच बीच में कभी सी के आ गया इसके अलावा कभी मैंने अपनी बहन का यूज़ कर लिया लेकिन जो मेरे थे ना वो एक दो ही थे जो कि मेरे तीन तीन चार चार साल तक मैंने कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल की हैं तो ये जो परफ्यूम था गैस ये मैंने लिया था 2009 में मुझे याद है मेरी सैलरी आई थी और मैं रूप सिंग गई थी मैं रूप सिंगार से जाकर ना अपने लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स लिया करती थी लिबर्टी में रूप सिंगारा है जो लोग लाहौर लो से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा रूप सिंगार बहुत फेमस है मेकअप की शॉपिंग के लिए उस ज़माने में वहाँ से आपको मैक के लिपस्टिक्स और फिर आपको नार्स के फाउंडेशन और ये ऐसी चीज़ें आपको सारी इंपॉर्टेंट जो माल होता था ना वो वहीं से मिलता था मैं वहाँ से जा के एक मेरी फाउंडेशन होती थी एक लिपस्टिक होती थी वो मैं लेकर आती होती थी तो वहाँ पर मुझे सेल्स पर्सन ने ये परफ्यूम बोला कि ये आप ट्राई करो आपको बहुत पसंद आएगा और यकीन करें उसके बाद इसको मैंने बहुत साल इस्तेमाल किया बहुत साल फिर ये डिसकन्टीन्यू हो गया और फिर ये मुझे कभी मिला ही नहीं और इस साल ये मुझे काफ़ी जगह दिखा लाइक मुझे सलमान स्टोर में दिखा हुआ फिर मुझे गैस के स्टोर पे ये देखा उससे पहले मुझे जब से मैं ओमान आई हूँ मुझे कभी नहीं देखा ये आई डोंट नो ये कहाँ से इसका इतना स्टॉक आया तो मैंने कहा इसको लेना चाहिए और दोबारा से यादें ताज़ा करनी चाहिए क्योंकि इसकी खुशबू इस कदर अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ही नॉर्मल इसकी प्राइस है थर्टीन में मैंने लिया है लेकिन मैं कहती हूँ इस कदर इसकी खुशबू स्टे करती है जिसकी कोई हद नहीं तो अगर आप में से कोई अच्छा परफ्यूम लगाना चाहता है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इजीली आपको गेस्ट के स्टोर से मिल जाएगा सलमान स्टोर से मिल जाएगा बल्कि सारे आ, स्टोर से मिल जाएगा क्योंकि अब इसका अच्छा खासा स्टॉक आया हुआ है तो ये मेरा फेवरेट होता था परफ्यूम जो कि मैंने बहुत साल इस्तेमाल किया है फिर उसके बाद चेंज होते गए होते गए होते गए लेकिन कूल वाटर और साचेरेड जीन्स और ये गैस का ये परफ्यूम ये मेरे वो जो कहते हैं ना अल्टीमेट फेवरेट वो वो रह चुके हैं तो खैर जी ये थी परफ्यूम की कहानी जो कि मैंने आपको सुना दी है अब मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन जो मैंने ली थी ये दो चीज़ें एनवाइक से तो पहले तो ये मैंने ली थी लिक्विड uh, लिपस्टिक ली थी और इसका शेड है जी सॉफ़्ट स्पोकन और uh, मैं क्या करती हूँ मैं जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं तो उनके रिव्यूज़ और उनके स्वैचेस मैं पिंट्रस्ट एक एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर लें इट्स इट्स एन अमेजिंग 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 एप्लीकेशन ऐप uh, है उधर जाकर आप दुनिया की हर एक चीज़ सर्च कर सकते हो आपको हर चीज़ मिल जाती है और उसके बारे में यू कैन रीड अबाउट इट आपको उसके रिव्यूज़ मिल जाते हैं आपको उसके स्वच्छेस मिल जाते हैं तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ पढ़कर फिर मैंने इसको ख़रीदा है और नेक्स्ट था जी ये अवे वी ग्लो तो ये मैंने स्टॉपिंग क्रीम ली है अब इसको ट्राई करेंगे मुझे सूट करती है नहीं करती है क्योंकि मैं हूँ जी सवाए हाइलाइटर के मेरे मेकअप के अंदर तो कोई भी ग्लिटरी या कोई भी ग्लोई चीज़ नहीं होती मैं बहुत ज़्यादा मैट पसंद करती हूँ मेरी जो फाउंडेशन होती है वो भी मैट होती है तो इसीलिए मैंने कहा अब नया कुछ चेंज लाना चाहिए और वैसे भी विंटर्स हैं तो विंटर्स में जितना आपकी स्किन ग्लो करती है उतनी अच्छी लगती है गर्मियों में तो वैसे पसीने से हमारी स्किन ग्लो कर ही रही होती है तो मैंने कहा चलें इसको लेते हैं और ट्राई करते हैं और ये बिल्कुल ड्यूप है जी मैक की स्टॉबिंग क्रीम का इसके बारे में मैंने पिंट्रस्ट पर सारी रिसर्च कर ली थी पढ़ लिया था तो ये उसकी कॉपी है तो फिर मैंने कहा पहले इसको यूज़ करते हैं अगर मुझे सूट कर गई तो फिर मैक पर जाएंगे और उसको यूज़ किया करेंगे नेक्स्ट ये मैंने एक लिया था जी ब्लश पैलेट ली थी मैंने और ये मैंने एक रैंडम से स्टोर से उठाई थी और क्योंकि मेरे जो ब्लश होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैट होते हैं या मैं पीच जो होते हैं पीच की जो फैमिली से बिलोंग करते हैं ब्लश ऑन्स मैं वो लगाती हूँ सो so, मेरे जो ऑन्स होते हैं वो सिर्फ पीच ही होते हैं या पीच की ही फैमिली से होते हैं पिंक मैं बहुत कम लगाती हूँ तो ये मुझे काफ़ी टाइम से मुझे कोई ऐसा ब्लश चाहिए था जो कि काफ़ी देर तक स्टे करे तो ये एक आ, थ्री शेड्स का एक पैलेट है बेग्ड ब्लश की तो ये मैंने उस दिन ट्राई की मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ले ली मैंने कहा चलें थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने मेकअप के अंदर थोड़ा सा ग्लो ऐड करके देखते हैं क्या पता मुझे अच्छा लग जाए तो ये वो थोड़ी सी चुनी मुनी से शॉपिंग थी जो कि मैंने की है अब बाकी जैसे चीज़ें आती जाएंगी डिलीवर होती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लिपस्टिक का शेड एग्जैक्टली exactly है कैसा देखने में ये बाहर से आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन सा लग रहा है लेकिन अंदर से इट्स अ वेरी हाथ पे भी आपको ये ब्राउन लग रहा होगा लेकिन जब आप लिप्स पे लगाते हैं तो इसका शेड बहुत ही डिफरेंट हो जाता है तो मैंने ऐसा मेरे पास ऐसा कोई शेड नहीं है तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है इसका नाम है सॉफ्ट स्पोकन तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसका आप वीडियो में स्क्रीन ले लिया करें उससे आपको आसानी होती है कि आपके पास उसका स्क्रीन पड़ा होता है अगर आप कभी जाएँ तो आप इजीली ले सकते हैं नेक्स्ट ये जो लिया है मैंने स्टॉबिंग क्रीम इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और इसका एक्चुअल में इसका काम है क्या तो ये बिल्कुल हमने थोड़ा सा लेना है और जो भी आपके हाई पॉइंट्स होते हैं आपके फेस पे जैसे आपकी चीक बॉन्स हो गई नोस की ब्रिज हो गई इसके अलावा आपकी चिन हो गई आईब्रोज़ के ऊपर जो होते हैं जहाँ पे हमारा आर्च होता है वहाँ पर आप लगाएंगे तो इस तरह का ग्लो जैसे ये आपके फेस पर लाइट हिट करेगी तो आपके ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो ग्लो करेंगे हाईलाइट हो जाएंगे तो इसका आप ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा और एक ड्रॉप सा मैंने लिया जिसमें से थोड़ा सा मैंने अपने फेस पर लगा लिया था क्योंकि टू मच हो गई थी तो ये लगाएं आप फाउंडेशन से पहले फिर आप इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें तो बहुत ही ग्लोई और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना वो स्मूथ सी एक लुक आती है आपकी नेक्स्ट ये ब्लश ऑन है और ये डार्क है फिर लाइट है फिर वेरी लाइट है तो तीन का ये कॉम्बो है और इसका स्वैच देखने में कुछ ये इस तरह है देख सकते हैं कि पीची पिंक सा है ना तो ये बहुत ज़्यादा पिंक है ना ही ये पीच है ये बीच का शेड है और मैंने कहा था जो मैं ब्लशन लगाती हूँ उसके ऊपर हल्का हल्का ये लगा लिया करूँगी ताकि वो फिर मेरा ब्लशन जो होता है वो गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद तो मैंने कहा ये जो बेग ब्लशन होते हैं ये बहुत देर तक स्टे करते हैं तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया है कि देखते हैं हम कैसा रहता है और ये जो लिपस्टिक है ये मैट नहीं है ये क्रीम लिपस्टिक है जब आप टिशू से डैप कर लेंगे तो ये मैट हो जाएगी तो ये तीन चीज़ें थी जो कि मैंने ली हैं और ये मेरी थी जी थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने की है लेकिन जो बेस्ट परचेज रही है मेरी अब की जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो ये परफ्यूम है तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा और यूज़ करिएगा आई एम sure श्योर आपको बहुत पसंद आएगा सो so, अब टाइम है रात का और दिन में जो मैंने शूट किया उसके बाद मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी और यही होता है जब आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो तो फिर आप शाम में सो जाते हो तो मेरे साथ भी यही हुआ तो आज मैंने बनाई थी चने की घोटे वाली दाल घोटे वाली दाल क्या होती है आ, अगर आप लाहौरी हैं और आप लक्ष्मी चौक पर जाते रहें अपने बचपन में तो वहाँ पर एक बहुत मशहूर दाल होती थी तो वो हमने अपने बचपन में, में बहुत खाई है तो ये उसी से इंस्पायर्ड दाल है इसको घोटे वाली दाल बोलते हैं जो अक्सर हमें दाल नान भी लोग बांटते हैं तो वो जो एक स्पेसिफ़िक दाल होती है वो उसको घोटे वाली दाल बोलते हैं तो ये चने की दाल है खाली चने की दाल है इसको मैंने प्याज में फ्राई कर लिया था और इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की थी और इसमें फिर नमक गया था ढेर सारी कुटी हुई काली मिर्चें गई थी और गरम मसाला गया था और हल्दी गई थी दात सेट वो डाल कर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया तो so, इस दाल में आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है तो और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कुक करना है कि ये दाल बिल्कुल मैश हो जाए और कुछ इस तरह की हो जाए उसके बाद आपके पास घोटना जो होता है वो है तो उससे अच्छी तरह आप इसको मैश करें और इसको जैसे हलीम को घोटते हैं उस तरह घोट लें मेरे पास उस तरह का घोटना तो था नहीं लेकिन मेरे पास जो वुडन स्पून था उसी से मैंने इसको अच्छे से कर लिया अदरवाइज़ ये हंड्रेड परसेंट जो कुक थी वो प्रेशर कुकर में हो गई थी तो बस ये दाल रेडी हो गई है इसके ऊपर आप देसी घी का तड़का लगाएँ तो बस इंजॉय करें नान के साथ बड़ी अच्छी लगती है दोपहर तो में हम लोगों ने खमीरी रोटी के साथ खाई थी और अभी इसके साथ बन रहे हैं डी बॉयल्ड राइस और ये जो मेरी चिमनी देख रहे हैं आप उस दिन जब मैंने आ, बनाया था खाना तो चने जो बॉईल हुए तो उसका जो प्रेशर कुकर खोला तो आप देख सकते हैं कि उसने सारी चिमनी को गंदा कर दिया क्योंकि अक्सर होते हैं चने जो होते हैं वो कुछ ना कुछ जब उसकी हम आ, हवा निकालते हैं तो काफ़ी रेजिडियोस का ऊपर छत पर या चिमनी में लग जाता है तो अब ये जो चिमनी है उसको बहुत अशद ज़रूरत है डीप क्लीन की तो इस कमिंग फ्राइडे या फिर किसी भी दिन जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा फ्री होंगे तो इसको अच्छे से सफाई करवानी है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे काम मैं बिल्कुल नहीं करती ऐसे काम मैं अपने हस्बैंड के लिए संभाल के रखती हूँ और उनसे करवाती हूँ क्योंकि कुछ काम तो उनको भी घर में कंट्रीब्यूशन अपनी करनी चाहिए सारे काम तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन कुछ काम मैं उनके लिए भी छोड़ देती हूँ कि उनको भी लगे कि ये उन्हीं का ही घर है सो जी चावलों को दम पर रखा हुआ है दाल में दोबारा से गरम कर रही हूँ और ये दाल नान के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है और हलीम जैसा टेस्ट आता है इसका क्योंकि इसमें सिर्फ काले मिर्च गरम मसाला है तो बहुत ही यूनिक इसका फ्लेवर होता है तो खैर जब भी रात में तो हम लोग चावल खा रहे हैं दोपहर तो में नान के साथ खाया था तो बड़ा मज़ा आया था और साथ में मैं देख रही हूँ जी बिग बॉस इस बार का बिग बॉस इतहा ज़्यादा बोरिंग है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और बस अब आदत पड़ चुकी है तो देख रही हूँ मैं अदरवाइज कोई इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है इस बार आ किसी इस बिग बॉस में कोई भी जीत जाए इट डजेंट मैटर तो ये मेरा आज का व्लॉग था आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करते हुए जाइएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें आल सी टूमो गाय स्टिल टे केयर अला हाफि स्टे ब्लेस स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव